मुरैना जिले में गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। महीने के पहले सप्ताह में ही तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। सूरज की तपिश का आलम यह है कि दिन में अभी से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो तापमान लगातार बढ़ रहा है और आगे से जारी रहेगा, जिससे अभी लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, पर इसके चलते बारिश जल्दी आने के आसार रहेंगे और अच्छी बारिश भी हो सकती है। सूरज की तपिश ने जून माह में ही लोगों को बुरा हाल कर दिया है। दिन चढ़ते ही लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तापमान अभी तक 47 डिग्री तक पहुंच चुका है और अभी तक आगे और भी बढ़ेगा। गर्मियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी छोटे बच्चों के लिए स्कूलों का समय बदल दिया है, जिससे बच्चों को राहत जरूर मिली जाएगी। मुरैना संवाददाता मनोज उपाध्याय। में काफी वृद्धि दिखाई गई है, जैसे हमारे यहाँ 29 चल रहा था तो उन्होंने 31, 32 और 33 तक भी दिखाया है, तो लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। मैक्सिमम तापमान भी वृद्धि हो रही है, 47 के आसपास चल रहा है और आज का तापमान भले ही 0.5 डिग्री कम हो गया है, लेकिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी रहेगी और इसी प्रकार से अभी एक हफ्ते तक तापमान रहने के अनुमान है। अब राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है, तो ये राजस्थान की साइड से जो गर्म हवाएं आती हैं तो उसका भी असर देखा गया है और यहाँ पे 47 और 30 मिनिमम टेम्परेचर चल रहा है और अभी एक हफ्ते तक कोई भी राहत होने मिलने की संभावना नहीं है। अब जब तापमान बढ़ रहा है तो जैसे आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होगा, उससे क्या है कि उन लोगों को अपना जो निजी अपने कार्य हैं जो भी करना है तो या तो उनको सुबह शाम करें या फिर दिन में निकलना भी पड़े तो पूरे शरीर को ढक करके और पूरा एहतियात बरतें और ढक करके निकलें, हो सके दोपहर के समय में धूप में कम से कम निकलें। साथ ही जो हमारी फसलें हैं, सब्जियों वाली फसलें हैं, उनमें काफ़ी नुकसान की संभावना है, तो उनमें सिंचाई जो है नियमित रूप से सिंचाई करते रहें और सिंचाई तापमान को देखते हुए सुबह अथवा शाम के समय करें तो उन फसलों के लिए लाभदायक रहेगा। Bye.